मैच आपने देख लिया, रेट डिसअपॉइंटिंग, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है और मुझे इस बात की भी तकलीफ हो रही है। फुल स्ट्रेंथ टीम को आज आयरलैंड की ना तजुर्बा कार टीम ने जो है वो 5 विकेटों से शिकस्त दी। मैं बार बार पिट मर रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, ये जो हमारे ओपनर्स हैं, हमारा मिडल ऑर्डर है, हमारा इस काम का नहीं है कि जहाँ पे हम इतनी बड़ी कोई जीत या सक्सेस हासिल कर सकें। कंसिस्टेंटली हम नहीं जीत पाएंगे। पाकिस्तान की T20 की जो इंटरनेशनल ICC की रैंकिंग है वो नंबर 7 है, आयरलैंड नंबर 11 पर है, लेकिन क्या मैच खेला आयरलैंड ने और बाल बिर्नी ने क्या जबरदस्त बैटिंग की। 77 रन की उनकी जो इनिंग्स थी वो आयरलैंड की फतह की बुनियाद बनी। अब मैं क्या बोलूँ, अब आप खुद सोचें मैं क्या बोलूँ, इस पर क्या बोलना चाहिए। यही बोलूंगा ना यार कि पाकिस्तान हैज अ बैड कैप्टन, नो डाउट। इस तरह तो नहीं हो सकता मुंह उठाया आप चले गए वहां पे और आपके लिए वो सेरे लेके खड़े होंगे कि आपको मैच ऐसा पकड़ा देंगे। यार आप व्हाट से लानत नहीं यूनिवर्सल लाया नाला, कोई सब्जी रोटी तरकारी कोई मतलब तंदूर खोल लो यार। तुम उनको कौम के जज्बात से खेलते हो, पहले जिम्बाब्वे फिर अफगानिस्तान, अब तुमने आयरलैंड से T20 मैच हरा दिया। ये घंटे का ब्रांड था, है और रहेगा, और ये वर्ल्ड कप में भी घंटा है, था और रहेगा, जब जब खेलेगा घंटा है, था और रहेगा। ये वो घर वाले भी बोलते हैं बाबर को नहीं बोलना, बाबर अबे मेरे को खाला का बेटा थोड़ी है, अच्छा खेलेगा सर आंखों पे बिठाएंगे भाई, अपने बच्चों का नाम बाबर पे रख देंगे। नहीं, ये कैप्टन मटेरियल नहीं है, ये कैप्टन मटेरियल नहीं है। शुक्र करो कि T20 वर्ल्ड कप से कबल आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज मिल गई, अच्छा इनको धोने की आदत पड़ जाएगी, अभी आयरलैंड से धुलेंगे फिर इंग्लैंड से धुलेंगे, और जब ये पहुंचेंगे ना अमरीका हांकते कांपते फिर इनको लग पता जाएगा कि क्रिकेट क्या होती है। गया मेरा खुसरा गए, मेरी बाबरी गई। यार ये बाबरी को होगी बीमारी क्या, मुझे समझ नहीं आती कि ये बंदा कब तक सेल्फिश खेलेगा। अबे रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, 3-4 साल इसकी क्रिकेट बाकी है। ये नहीं कि मैं फैंस को वो चीज दे दूं जो वो लोग चाहते हैं, थोड़ा अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करूं, थोड़ी अपनी गैरत को जगाऊं, अपने अंदर थोड़ा सा यू नो डंडे वंडे मारूं, अपने पिछवाड़े को थोड़ा खुजाऊं ताकि मेरी गैरत जागे और मैं थोड़ा स्ट्राइक रेट अपना तेज करूं। मतलब दुनिया 200-200 के साइड से खेल रही है और यहां पर बाबर आजम साहब 132, बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट, और किसके खिलाफ, माइटी आयरलैंड। कि हमारे इतना छुपाएंगे भैया, 2016 में 126 का स्ट्राइक रेट था इसका, 2024 में 127 का है, सालाना इसने 0.15 इंक्रीज किया। ये लानत सुनने को मिल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि भैया गधेड़े स्टैटिस्टिशियन ये नई कहानी निकाल के लाए कि 2022 से अब तक उन्होंने 200 का टारगेट ही नहीं दिया। अबे किस टीम को देगा टारगेट, मंगोलिया दोबारा में आउट हो जाता है। अबे अब और कौन सी टीम रह गई है मुझे बता दो, मैं बता रहा हूँ जिस दिन डेविड वीसे ने मारा तो नामीबिया भी गले पड़ जाएगी। अब बचा क्या है, 2021 से ये आदमी T20 की एक सीरीज नहीं जीता जिसके तुम शादियाने बजाते हो, जिसको वर्ल्ड क्लास बोलते हो, यही सब यही लड़के। मुझे यकीन हो गया कि हर आने वाले चेयरमैन ने इसकी क्रिकेट देख के इसको गोद में नहीं बिठाया। जी हाँ, इसकी कुछ और ही चीजें हैं जिसको देख के हर चेयरमैन कहता है ये हमारी गोद का कप्तान यही है भैया। जी हाँ, इसको बना देते हैं डॉक्रेट ने डबलिन में डब्बा बजा दिया इसका, अति बल्लेबाज बना है, सिर्फ अब धक्के मारता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। अच्छा भाई, इसकी कप्तानी में लानत का मियार ही खत्म हो गया है। होता है ना कि एक लानत ले ली, पब्लिक कम है, इसने लानत के तमाम मियार खत्म कर दिए। अभी आज इनसे नहीं जीत सकते तुम, वजह ये है कि उसके लिए तो प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली परफॉर्म, नसीम तुमने रखा, अब्बास तुमने रखा, शाहीन तुमने रखा, इमाद तुमने रखा, इफ्तिकार तुम्हारे पास, साइन तुम्हारे पास, हसनैन तुम्हारे पास, अबे तू किनको लेके जीतेगा और क्या मंगोलिया से खेलेगा अब क्या? नहीं पता चल गया तुम्हें कि सबसे हल्की टीम कौन सी दुनिया में, वो लेकर आऊं मैं तुम्हारे लिए, मां 150 रन मारूं मैं, तालियां बजाऊं मैं। अबे कहाँ है घंटे के निकला साला, तुम्हारी ऐसी की तैसी गैरत है तो निकला। नहीं, एक टीम जो 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, 2021 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, अभी न्यूजीलैंड से बड़ी मुश्किलों से सीरीज 2-2 से बराबर करके गई है, कह रहे थे रोटेशन पॉलिसी होगी, तकरीबन तमाम टॉप के प्लेयर्स खेल रहे, शाहीन आफरीदी भी है, नसीम शाह भी है, शादाब खान भी है, रिजवान भी है, बाबर आजम भी है, सारे इफ्तिखार भी है, सारी टीम थी, तो क्या हो गया ये? बाल भाई सच है मगर ये कड़वा भी है, सच भी है और बोलना पड़ेगा। और आप ये नहीं बोल सकते कि हम रोटेशन कर रहे थे या हमने अभी पूरी स्ट्रेंथ नहीं खिलाई या अभी हमारे मेन प्लेयर बेंच पे थे, हम देख रहे थे, हम टेस्ट एंड ट्रायल पे हैं। सर न्यूजीलैंड की पूरी सीरीज आप ले गए वापस,
इसके बाद ये आज पहला मैच हुआ और ये सर इनकी कंडीशन में अगर आपको याद हो आप और मैं ही हम इसी प्रोग्राम में बैठ के डिस्कस कर रहे थे, मैंने बोला था आयरलैंड की सीरीज आसान नहीं है, खासतौर उनकी अपनी कंडीशंस में वो बेहतर समझते हैं, वहाँ बॉल मूव करता है ऑफ द पिच एयर में, मगर वही वाली बात है ना कि अगर आप तैयारी के ऊपर होता सर, आप इस जो आज बैटिंग लाइन खेली है जिस तरह खेली है, मैंने याद होगा लास्ट सीरीज में भी बोला था आपको वे ऑफ प्ले बैटिंग का चेंज करना पड़ेगा, 170 180 नहीं काम आज सर, ये भी इफ्तिखार को ये दुआएं दें उसकी कनेक्ट हो गई, वरना सर ये 150 के अंदर दिख रहे थे और ये उनके लिए कुछ भी नहीं था और अभी वो प्रेशर में थे। आज पाकिस्तान ने उस्मान खान को ड्रॉप किया और उस्मान खान जो अपनी कश्तियां जलाकर आए हुए थे आज उनकी जगह आजम खान को टीम में शामिल किया गया, लेकिन वो सिर्फ दो गेंदों के मेहमान साबित हुए और बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। संटे आजम साहब जो हैं इन्होंने बैटिंग की है 132 के स्ट्राइक रेट के साथ और कल विराट कोहली ने कितने स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी 196 के स्ट्राइक। बाबर आजम साहब मुझे लगा कि आज किसी मूड में होंगे, कोई सेंचुरी वेंचुरी करेंगे, कुछ दिल गुर्दा खुश करेंगे, हमारा कुछ ना कुछ करेंगे, अपनी इज्जत को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो इनके ऊपर धब्बा लगा हुआ है, जो इनके ऊपर घटिया बैटिंग का एक निशान लगा हुआ है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। बाबर साहब ने आज भी कसम उठाई कि भाई मैं तो खुश रही हूं, मैं एक बहुत बड़ी खुश रही हूं, मुझसे रन करने की बिल्कुल उम्मीद मत रखना, मैं पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ हूं। आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ हमारा ये हाल है, आयरलैंड के खिलाफ यार ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड वगैरह तो दूर की बात है, हम वर्ल्ड कप में करेंगे क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ये पाकिस्तान के साथ क्या टोपी ड्रामे हो रहे हैं, क्योंकि भाई खुद सोचो ना, हमें कुछ आयरलैंड तक हमको सीरियस नहीं ले रही, न्यूजीलैंड हमको सीरियस नहीं ले रही, सब हमको आते हैं पिछवाड़े में थप्पड़ लगा। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा आयरलैंड से T20 मैच हारने से चिल्लाए पाकी, क्योंकि जिस वजह से वो न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने मैच पर प्रदर्शन किया और T20 मैच को सीरीज को उन्होंने ड्रॉ की तरफ ले गया और ये सीरीज भी लग रहा है कि ड्रॉ की तरफ जाए या पाकिस्तान हारने की संभावना बनता है, ऐसा कहना है पाकी मीडिया के द्वारा, क्योंकि जिस वजह से खेल रहे उन्होंने ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई पाकिस्तान की एक टीम खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि सी क्रिकेट टीम लग रहा है जो खेल रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि जो भी प्रदर्शन कर रहे उनके मिडिल क्लास बैट्समैन जो भी है बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी काबिलियत के हिसाब से नहीं खेल पा रहे हैं, उनकी बॉलिंग भी फीकी रही है, जैसे कि जाने जाते हैं फास्ट बॉलिंग है, अच्छी बॉलिंग है, लेकिन उस हिसाब से बैटिंग नहीं कर पा रहे दोस्तों, क्या कर सकते अब नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।